अभी खड़े अपने अपने M550 के पीछे, तो ये चैन आता है, कभी ना कभी आपका भी चैन टूटा होगा ये, तो अभी इसका चैन ये है नहीं, ये रनर टूट जाता है, इसको रनर बोलते हैं अपनी भाषा में, ये हार्ड हो जाता है, इसको कभी कभी रिप्लेस करना पड़ता है। तो आपको इजी ट्रिक बताता हूँ, इसको रिप्लेस करेंगे तो अपने थार में भी यही आता है, M550 पुरानी जीप, अभी जो नई थार में भी सॉफ्ट टॉप आता है उसमें भी चैन आएगा, तो चैन ऐसे रिप्लेस करेंगे, मेथड सेम होगी, ठीक है। तो अपने शुरू करते हैं अपना वीडियो, ये आगे अपने जीप के अंदर आपको इधर दिखाता हूँ, तो जैसे ये रनर है ना यहाँ ऊपर तक आता है, देखो इसमें नया रनर डाला है, तो दो ट्रिक होती है, आप एक नीचे से भी आता है, देखो यहाँ से काट के डाल सकते हो, इसी में से सामने वाले में भी होगा, तो अगर आप ऐसे डालोगे तो इसको अंदर ऐसे चढ़ाना पड़ेगा, तो ये एक टाइप का खुलता जाएगा, तो खुले में मतलब जैसे खुला हुआ उसमें चढ़ाना बहुत मुश्किल पड़ता है, तो ऊपर से डालेंगे ना तो ये बंद करता हुआ जाएगा, तो ये आसान होता है। तो अभी ये नंबर बता दो, ये 10 नंबर का शायद रनर बोलते हैं ना, जैसे एक छोटा देखो ये नंबर होता है रनर का, ये नंबर जाके बुलाओगे, नहीं तो टूट गया ना वो सैंपल लेके जाओ, तो जो भी ये सिलाई मशीन का काम का सामान कह देते हैं ये सब, या फिर चेयर रिपेयरिंग वाले आते हैं, अगर आपके आपके एरिया में आते ही नहीं आते तो बहुत आसान है, ठीक है। तो पहले इसको अपने काटेंगे, इसको जैसे देखो इसने एक बार का मैंने रिपेयर करवाया है, ठीक है, तो काट के यहाँ से उतारेंगे तो आसानी से उतर जाएगा, तो पहले इसको कैंची से काटते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे कैंची से इसकी सिलाई खोल देनी है, फाड़ नहीं देना, अभी आप किसी चैन वाले को दोगे ना तो उसी काट देगा, वो क्या करेगा यहीं से बीच में कट मार के चढ़ा देगा, नीचे से कट मार के चढ़ा देगा, तो चीज़ें बिगड़ जाती हैं। वो मेरे थार में भी एक हार्ड हो गया है, अब उसमें कैसा है देखो, उसमें प्रॉब्लम ये हो गया, जब कंपनी का आया था तो ये बाहर साइड था, ये बाहर सॉरी ऐसे बंद चालू होता था, अभी जब नया मैंने टोपला है वो कंपनी का नहीं है तो अंदर से बाहर, तो बाहर से बंद करने में बहुत तकलीफ होती है ये चीज़, ठीक है। तो ये मैं पूरी सिलाई अपने कर रहे हैं काम, तो उसको अच्छी तरह करेंगे, फिर इसी को अपने सिल लेंगे, आपका चैन यहाँ से बाहर नहीं आएगा, तो जरा मैं इसको पूरा खोल डालता हूँ, ये खुल गया, आपको लगे कम है थोड़ा और खोल लो, ठीक है, तब इसको अपने लगाएंगे चैन, तो ये ना अंदर मतलब बाहर साइड होना चाहिए, तो ऐसे डालना बहुत आसान होता है, ये वाला हिस्सा पकड़ के और इसमें इसको उतारेंगे, एक साइड पहले जो भी आपको लगे जिस साइड हार्ड है डालना उसको पहले इसमें उतारना है, ठीक है, हो गया। और अभी ये दूसरा वाला चैन, तो जब इन दोनों का ऐसे लेवल आ जाए तो आपको चैन ये कपड़ा पकड़ के और ये जो ये है ना खींचना पड़ेगा, ये तो ये चढ़ेगा ऐसे, अभी मेरा उसको है नहीं दिखाने के लिए, मतलब कैमरा कोई पकड़े देखो चैन पे आने के बाद ही दिखता है, कैमरा गिर जाता है, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, कैमरा को पक्का से नहीं जाता, मैं कैमरा जरा कर लेता हूँ एडजस्ट, ये पकड़ना और बाहर से लेना पकड़ना है, ऐसे देते हैं लेबल मिल जाएगा तो ये पकड़ना है ऐसे, और इसको ये वाले हिस्से को खींचना है, और ना चढ़े तो फिर से बार कोशिश कर लो, लेबल नहीं मिलेगा तो नहीं चढ़ेगा, ठीक है। ये देखो खींचने पे चढ़ गया, ये पकड़ना पड़ेगा, पकड़ के लेबल होगा तो ये खिंचाएगा नीचे, लेबल पे नहीं होगा, ये भी पकड़ के एकदम बैलेंस नहीं होगा, तो ये रनर जब आपका हार्ड हो जाए तब भी आप उसको बदलिए, गिराया नहीं मिले इसकी वजह से, बाहर से खींचते हैं आराम से खींचा जाएगा, आ गया, इसका लेबल लेना है, खींचा गया था, ये इसको नीचे लेना है, इसको लेबल लगे खींचोगे चैन लग जाएगा, ठीक है। तो ये आसानी से आप चैन से लगा सकते हो, और आपको हार्ड लगे तो थोड़ा इस पर ऑयलिंग कर दो, ठीक है, जैसे अपने अंदर काटे तो सिल देंगे, ठीक है, आपका चैन हो जाएगा, ऐसे कोई भी आप गाड़ी का चैन बदल सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया लाइक और शेयर कर दो, आप मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।